ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए, मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ। इज्जत भी बड़ी मिली और गालियाँ भी बहुत पड़ी हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। सियासतदानों तो हमेशा अब उनको चाहिए कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वापस जाएं, यू टर्न ले लें वो। रिटायरमेंट भी होके की मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, लिहाजा काम तो लगे रहे। रिटायरमेंट के अलावा उसके पास कोई और चारा है नहीं है। पहले ज़्यादा इज्जत मिलती जब से खान साहब आए हैं। आप क्यों सोच रहे हैं जब सबसे जलालत लेकर फिर कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का कुछ कहना यूं है कि सियासत से रिटायरमेंट तो मैं ले रहा हूं और मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सियासत से। इज्जत भी बड़ी मिली है सियासत में और गालियाँ भी बहुत। अब इज्जत ज़्यादा मिली है, गालियाँ ज़्यादा मिली हैं, रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ये इनके बयान को आवाम किस लेवल पर देखती है? ज़रा मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, सुनाओ किम बैठे हुए? मैं गाग का इंतजार कर रहा हूँ। गाग आ जाए किसी तरीके से। क्या कहते हैं कि जी, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए, मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ। इज्जत भी बड़ी मिली और गालियाँ भी बहुत पड़ी हैं। क्या कहते हैं, गालियाँ ज़्यादा मिली हैं या इज्जत ज़्यादा मिली है? उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये ना देखें कि गालियाँ पड़ी हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ले लेनी चाहिए रिटायरमेंट, क्यों वजह उसकी? जब एक बंदे ने जेन बना लिया तो उसको कर लेना चाहिए ना, ले लेनी चाहिए। यानी जेन बना लिया है तो रिटायरमेंट लवो लवो। उन इज्जत मिली है, क्या हुआ है? कार बवो। रिटायरमेंट लेके दे कार बवो। घर रिटायरमेंट लेकर और घर बैठे। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं। सर कैसे आप? ठीक हैं? इधर तो देखे ना। हाँ। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र। कुछ बिका के नहीं बिका सुबह से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे कैमरामैन की टेंशन ना लेना, ये घर से परेशान आ रहा है, इसलिए आपको बार बार कह रहा था पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। नहीं नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, कोई ठीक है ना, ये इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद? मोहम्मद अजमल। अपना नाम नहीं तुम सही लेना आ रहा है? मैं गुआंढिया का नाम और मैं गुआंढिया का नाम लवा ਤਨੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਈ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਇੰਜ ਕਹੋ ਆ ਜਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਾਲ ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ लिहाजा लगे रहन रिटायरमेंट ला लेना। नहीं नहीं, हाँ, रिटायरमेंट नहीं, लगे रहन लगे रहन रिटायरमेंट ताके हसी क्या बहुत शरारती बने। नहीं नहीं, रिटायरमेंट नहीं लानी चाहिए, मजीद आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने। हां, गालियां गुड़ियां ते पैंदियां रहंदी ने पैंदियां ते जेन तो सोचे ही ना। ओए ओए, रिटायरमेंट भी होके की मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, लिहाजा काम ते लगे रहे। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि बड़ी संजीदगी से मैं रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ कि सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ, मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी हैं और इज्जत भी बहुत मिली है, क्या समझते हैं इस बयान को आप, किस नज़र से देखते हैं? इसके मतलब मैं क्या कहूँ आपको यार, इन्होंने कहना सर, इनका हाल यही होना चाहिए वैसे तो, वापसी जाना चाहिए इनको, वापसी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिटायरमेंट ले लेनी लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो इज्जत ज्यादा मिली, गालियां ज्यादा मिली हैं, इनको गाली मिलनी चाहिए और मिलती भी रही हैं, अभी मिलती भी रही हैं जी, अभी मिल भी रही हैं, अभी भी मिल रही हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा नहीं किया इसलिए। बिल्कुल सही बात है, आए आए बिल्कुल ठीक। आप किसी को जब अच्छा किसी के साथ बताओ करेंगे ना, तो आपको उसके बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, जैसी कहानी वैसी भरनी, असल गल ये है, बिल्कुल ऐसी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। अब उनको चाहिए कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वापस जाएं, यू टर्न ले लें वो। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। कोई पैगाम और कोई पैगाम है उनके लिए, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए उन्हें? उनको चाहिए कि वो चुप कर घर बैठ जाए, बस घर बैठ जाए, दोबारा बिल्कुल सियासत छोड़ दें उनको चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले लूँ सियासत से, सियासत में मुझे इज्जत भी बड़ी मिली है और गालियाँ भी बहुत मिली हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? वो इसके अलावा तो उसको कोई कुछ और मिलेगा नहीं, उस बेचारा को अभी पता चल गया है, वो आ चुका है,
जब एक बंदा हरा हुआ है अभी वो उसके बावजूद बैठा हुआ है, वो हार चुका है, उसको भी अपना जमीर भी उसको कह रहा है मैं हरा हुआ हूँ, उसके अलावा बैठा हुआ है तो उसके अलावा और उस बेचारा को क्या मिल जाएगा, वो भी यही सोच रहा है भाई इसके अलावा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया हुआ है वो इस टाइम बैठा हुआ है जेल में, अगर वो जेल से बाहर है या अंदर है उसको अल्लाह ने इज्जत दिया हुआ है, अगर ये जितना मर्जी ज्यादा दिन और रखेगा अल्लाह पाक उसको और ज्यादा इज्जत देगा, उसके इज्जत में कोई कमी पेशी नहीं आएगा। और अभी जब पहले से अभी हिसाब लगाओ, पहले उसकी इज्जत कितना था, पावर कितना था, अब उसकी इज्जत और पावर कितना है, अल्लाह पाक ने 100 गुना उसके ज्यादा इज्जत कर दिया, 100 गुना उसके ज्यादा पावर हो गया है। अभी जो भी फैसला कुछ भी हो जाएगा तो सब लोग उसके पास जाएगा, पहले वो डेला जेल से कोई ना कोई उधर से पैगाम आएगा बाहर, फिर उन लोगों के साथ शेयर हो। नहीं तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं तो सही सोच रहे हैं, अभी वो परेशान है बेचारा रिटायरमेंट के अलावा उसके समझदार है, उसने समझदारी से एक फैसला ले लिया, सेट पे बैठ गया भाई। इस टाइम तो यार अगर इज्जत है सिर्फ पीटीआई और अब सबकी जान इमरान खान की इज्जत है, इसके अलावा किसी और बंदे का तो नहीं है। चलें जी भारत कोई पैगाम, बस खाया साहब को कोई पैगाम तो नहीं है, बस यही पैगाम है भाई अभी अगर आप सेट पे हो जाना है तो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगा, अगर नहीं होएगा तो और बेइज्जती की तरफ ये गेम चला जाएगा, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं मिलेगा। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ और उसके बाद जो है ना मुझे सियासत में कहते हैं गालियाँ भी बहुत मिली हैं और इज्जत भी बहुत मिली है, क्या कहते हैं इस बयान के? फैसला तो वैसे उन्होंने अच्छा सोचा है। अच्छा हाँ जी, उनको करना पहले ये जो काम आज कर रहे हैं वो उनको पहले करना चाहिए, कर लेना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन आज भी उनको अक्ल आ गई है, सोच आ गई है तो अच्छी बात है, बड़ी बात है यार। हाँ जी हाँ जी, कह रहे हैं इज्जत भी बहुत मिली और गालियाँ भी बहुत मिली हैं। ज़ाहिर है सियासत में आपको पता है इज्जत भी मिलती है और जलालत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। इसमें जो बंदा एक दफ़ा चला गया उसको इज्जत भी बहुत मिल जाती है और उसके बाद जलालत भी मिलती है। बिल्कुल ठीक है, तो बस यही कह सकते हैं हम, तो और कुछ नहीं कह सकते। तो सही फैसला किया उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल सही फैसला, सही फैसला कर रहे हैं जी। क्या कहते हैं जी, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ, सियासत से रिटायरमेंट ले लूँ, मुझे इज्जत भी बड़ी मिली है और गालियाँ भी बहुत मिली हैं। बस जी ये काम ही ऐसा है सियासत, सियासत काम ही ऐसा है, इसमें गालियाँ भी मिलती हैं इज्जत भी मिलती है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है। क्या समझते हैं आप, इज्जत ज़्यादा मिलती है गालियाँ ज़्यादा मिलती हैं? पहले ज़्यादा इज्जत मिलती जब से खान साहब आए तब से समय तो गए हो गया आप, समय तो मैं गया बिल्कुल यानी जब से खान साहब आए बस, तो रिटायरमेंट का फैसला सही है इनका? बिल्कुल, मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए, अब कर लेनी चाहिए रिटायरमेंट। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले लूँ और सियासत में मुझे इज्जत भी बड़ी मिली और गालियाँ भी बहुत मिली हैं। ये देखें, ये तो अच्छी बात है अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं, इनको ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी, पहले हाँ। अब क्यों सोच रहे हैं जब सबसे जलालत लेकर फिर कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लूँ ये अच्छी बात है, लेकिन ले लेनी चाहिए उनको। बिल्कुल सही है, हाँ ले लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, घर की छुट्टी मनाए जाकर आराम से बैठे, सुकून से बैठे, सुकून से, लोगों की तो सुन ही रहा है घर वालों की भी सुने फिर बैठ कर, और क्या करेगा यानी बाहर तो जो हो रहा है हो रहा है, घर के भी सुननी चाहिए, घर वाले भी सुनो, घर वाला भी जलील इसकी वजह से हुआ पड़ा होगा जिस तरह का इसका काम है यार, ग्रेट यार। चलें ठीक कोई और पैगाम है इनको? नहीं इनको यही है बस, आराम से बैठे चिल करें। बिल्कुल सही है, आराम से बैठे और चिल करें, बहुत ही खूबसूरत बात है। आपका जो बयान है कि रिटायरमेंट आपकी आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, कोई ये कहते हैं कि फैसला पहले कर लेना चाहिए था आपको, अब क्यों कर रहे हैं? बहरहाल जो कुछ भी है आवाम की आवाज़ हमने आप तक पहुँचानी थी वो पहुँचा दी है। आपका बयान कैसा है कैसा नहीं है ये आपने सुन लिया है, पर हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया जिसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा, मस्जिद चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, साथ है।